वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 25 अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड नंबर 60 है, ओके। और आपको इस क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलना चाहिए क्योंकि सभी सवाल अच्छे हैं। पहला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ये सवाल सिंपल है बट इस साल रेलवे एग्जाम ने पूछा था। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्स मंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बाबर के बेटे कौन थे? इसके लिए आपको हिंट्स मिल सकता है। उसको उसका 2 बार राजाभिषेक हुआ था। हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो अब आंसर आप बता सकते हैं। सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि मुगल वंश का कौन ऐसा था जिसका इतिहास में 2 बार राजाभिषेक हुआ था, तो आपको राइट आंसर हुमायूं बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बाबर के पास तो बहुत सारे वाइफ थी, 10 बच्चे थे, इतिहास पढ़ने के बाद पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। सॉरी, 10 वाइफ थी बाबर का, बाबर के पास 10 वाइफ थे ऐसे अब हिस्ट्री बुक में मिलता है, पता नहीं और भी हो सकते थे, और पुत्र पुत्रिया का तो पूछो मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दूरी के लिए फार्मूला है, इसके लिए हिंट्स होता है समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, होता है ना, समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये सवाल आपके रेलवे एग्जाम में इस साल पूछे गए थे, दूरी के फॉर्मूला आपसे, तो दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा गति इंटू समय, स्पीड इज टू टाइम, क्वेश्चन इज टू इंटू इज टू अपॉन, मतलब रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल था आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोल। ये केमिस्ट्री वाला मोल है, इंग्लिश में इसका मतलब छुछुंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र का अर्थ है कि सारी शक्ति डैश के पास है। बहुत अच्छे सवाल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजा के पास है, जनता के पास है, पीपल के पास है, यानी कि गणतंत्र दिवस पब्लिक ही तो चुन हो, समझ आ गया आपको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सवाल इस साल के पूछे गए सवाल है। और दोस्तों, आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। आपके फोन के इंटरफेस में सब्सक्राइब बटन भी दिखाई दे रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे फुल्ली वर्क करता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आता है, जिसे देखकर आप अपने आप को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12।
क्वेश्चन नंबर एट, प्रथम ओलंपिक पदक भारतीय महिला विजेता कौन है? बहुत बड़ा बात है, प्रथम ओलंपिक पदक भारतीय महिला विजेता, तो ये हमेशा कभी ना कभी आपसे पूछेगा, तो आंसर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करणम मल्लेश्वरी। ओके, बहुत अच्छे आंसर है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाते हैं जो कि है, रेलवे एग्जाम ने पूछा था, क्योंकि रेलवे एग्जाम दोस्तों कई शिफ्ट में हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था, तो अप टू डेट रहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी। ओके, ये प्रतिबिंब कैसा, हमेशा छवि कैसा बनाता है, आभासी और सीधी। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन, बिटवाइन अर्थात विटामिन जिसे अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वह कौन सा विटामिन है? अर्थात एक सवाल यहां से आप बता सकते हैं कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, हिंट्स, तो आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B12, विटामिन B12। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंसू गैस के घटकों में से एक है, पुलिस लोग ज्यादा यूज करता है आंसू गैस का ना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन एक घटक है आपका आंसू गैस का। ओके, सवाल पूछे गए हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 12, एक परमाणु घड़ी डैश में परिवर्तन काल पर आधारित है, एक परमाणु घड़ी डैश में परिवर्तन काल पर आधारित है, ये कुछ न्यू क्वेश्चन है बट पूछा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक परमाणु घड़ी सीजियम में परिवर्तन काल पर आधारित है, सीजियम। ओके, तो यम 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 यानी कि सब मेटर है, धातु है। ओके, धातु कैसा होता है पता है आपको, धातु की एक हमने भी पहले भी पहचान बताया था, देखो आप धातु अधातु, धातु अधातु से भी आपकी रेलवे ने पूछा था सवाल, देखिए आप UM इंग्लिश में जाओगे इसके नेम पर तो UM 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 IUM 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 आमतौर पर कॉमन है, यानी कि इसके एलिमेंट्स के नेम में, नेम के लास्ट में यदि आपको IUM मिल जाता है तो आप समझ लो कि मीटर है, धातु है। आमतौर पर हिंदी नेम में जाओगे तो यम 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 मिल जाए तो समझ लो कि धातु है। ओके, बहुत मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं, एक्सेप्शनल कोई कोई है जिसके नेम कुछ चेंज होता है। ओके, समझ आया मेटल और नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अच्छा सवाल है, कोरिया हमेशा चर्चा में रहता है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओन, भारत ओन द मैच अगेंस्ट कोरिया। ओके, ऐसा होता नहीं है बट आप ओन ओन याद कर सकते हो, कोरिया का मुद्रा है, दिनार इराक का है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, अमर्त्य सेन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, यह भी सवाल हमेशा परेशान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जीता, अर्थात इकोनॉमिक्स, उसको विज्ञान मत समझ लेना, इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल जीता था, और 1996 या 97 में मिला था इनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक बिंदु न्यूनतम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ये सवाल रेलवे ने पूछा था और हम आपसे हो सके तो दो बार पूछ लिए, आंसर पता हो जाना चाहिए कि सबसे न्यूनतम गलनांक बिंदु हीलियम का होता है। मिलिटिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आता होगा, तो ये बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा हवा आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? ये सवाल भी आपको बार बार करने में बोर लग रहा होगा कि यह सवाल भी इस बार पूछा था, तो ऐसा करने में भी मजा आता है क्योंकि क्वेश्चन हमारे टीम ने अच्छा सेलेक्ट किया है। देखो, हमारे पास एक छोटा सा लिस्ट होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि 16 नंबर क्वेश्चन इस बार पूछा था, 13 नंबर क्वेश्चन इस बार पूछा था, तो वहां से देखकर रीड करते हैं। कुछ दोस्त लोग कमेंट करते थे कि आपको जिसको मन करता है बोल देते हो कि ये रेलवे ने पूछा था। यार, हम ऐसा क्यों बोलेंगे, पगला है? हम ऐसा नहीं बोलते, लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट के माध्यम से देख करके आपको बताता हूँ कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, फिर 19 नंबर लिस्ट में है, तो ऐसा मजा भी आता है कमेंट पढ़ने में, बट ऐसा आप नहीं सोच सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवादिनी। ओके, इनमें से कौन सा हवा आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवादिनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? ये भी सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरल। ओके, हेपेटाइटिस ए, आपको आंसर नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, दो तीन बार देख लेना, इन फ्यूचर में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये सवाल भी बहुत चर्चित है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल केंद्र है जो कि डैश टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। ओके, सबरीमाला पेरियार, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्यतः क्या है? ये सवाल आपके पूछे था रेलवे वाले ने इस बार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। ओके, पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्यतः सिलिका है, ओके, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोल डैश का राजधानी शहर है? आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम में दो बार राज्य राजधानी के क्वेश्चन पूछा था, देश से संबंधित दो सवाल पूछ दिया था, मजा आ गया होगा उन दोस्तों को, काफी मायने रखता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। सोल दक्षिण कोरिया का राजधानी शहर है, चर्चित सवाल है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, इसी को ना बोलते हैं सोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। अब शहरी तो यहाँ है नहीं कि आप आंसर बता दोगे, सोचो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत अच्छे सवाल हैं, कई बार हमें भी इस क्वेश्चन को फेस करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, लेजर का आविष्कार किसने किया?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉर्डन गोल्ड। गॉर्डन गोल्ड ने लेजर का आविष्कार किया, ये भी सवाल इस साल के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक मात्रा इल्यूमिनेंस की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा इल्यूमिनेंस की इकाई क्या है, ये भी सवाल आपके इस साल के हैं। अर्थात इसमें से आज तो 70 से 80% सवाल ऐसे हैं जो इस साल प्रेजेंट टाइम में पूछे गए सवाल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। ओके लक्ष्य, ये सवाल अच्छे हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कौन देता है? तो आर्टिकल 21। ओके और क्लियर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में ये शामिल है। सवाल अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? बहुत अच्छे चर्चित सवाल है, और एमपी में अभी होने वाले हैं वोटिंग, तो वहां के लिए आप याद कर सकते हो। अनुच्छेद 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध, आप चर्चा नहीं करो, सुनते रहो, ऐसा। इसका राइट आंसर है राज्य सरकार से संबंधित है। ओके तो वहाँ मुख्यमंत्री वाले चुनाव है तो उसको राज्यसभा का चुनाव बोलते हैं ना, लोकसभा होता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ऐसा होता है क्या? क्या शायद। क्वेश्चन फॉर यू, गोपनीयता का अधिकार किस में आता है? ये सवाल कई बार आपसे पूछ चुका हूं, आपको आंसर पता होना चाहिए, और हमारे साथ रेगुलर बने हैं तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए सवाल। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। अब तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कर दिए तो धन्यवाद। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके, एपिसोड नंबर 60 है, इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एपिसोड इतने पावरफुल होते हैं, इतने कुछ इसमें होते हैं कि आपको प्रेजेंट टाइम से अप टू डेट करा देता है कि अभी किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखे तो आपने लगभग 70% आज हमारे ख्याल से इसमें सवाल ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम के पूछे गए एग्जाम से हैं। तो इस एपिसोड के साथ आप कंटिन्यू रहे, आप पढ़ाई करते रहो, आप कॉलेज स्कूल ट्यूशन जहाँ जाना है जाते रहो, पढ़ते रहो, बट सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे करके स्टडी करो। और दोस्तों हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो हिस्ट्री के एपिसोड रोजाना अपलोड होता है, उसे देख करके आप हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यदि आप साइंस पढ़ना पसंद करते हैं तो साइंस के एपिसोड रोजाना अपलोड होते हैं, उसे देख करके आप साइंस से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके लिए ज्योग्राफी के रोजाना वीडियो अपलोड होते हैं, उसे देख करके आप ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पॉलिटी प्लस सिविक्स के वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, मेहनत हो रहा है उस पर, क्वेश्चंस अभी कलेक्ट कर रहे हैं, जरूर बनाएंगे वीडियो। और करंट अफेयर्स के आज सुबह में वीडियो अपलोड हुए थे, उसे देख करके आप करंट अफेयर्स को भी आप अप टू डेट हो सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आज थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट कुछ काम की बात थी इस वीडियो में। ओके तो शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को ऐसे जो भरोसेमंद दोस्तों के पास जिसको इसकी ज़रूरत हो सके, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वे हम उनसे जुड़ सकते सके इस वीडियो के माध्यम से, और वे हमसे जुड़ सके इसके माध्यम आप बनिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी टीम की ओर से। और आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, वंदे मातरम।